गुरुदेव की अमृत वाणी। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं हरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। दो बार प्रभु का नाम स्मरण करने। जय श्रीमन्नारायण 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 जय लक्ष्मीनारायण जय लक्ष्मीनारायण जय लक्ष्मीनारायण जय वेङ्कटनारायण जय वेङ्कटनारायण जय वेङ्कटनारायण जय वेङ्कटनारायण बदरीनारायण जय बदरीनारायण जय बद्रीनारायण जय बद्रीनारायण जय मुक्तिनारायण जय मुक्तिनारायण जय मुक्तिनारायण जय मुक्तिनारायण जय राघव नारायण जय राघव नारायण जय राघव नारायण जय राघव नारायण श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रभु का संकल्प बहुत ही प्रबल होता है। कल यहाँ रामार्चा होनी थी और आज हम आपके पुष्पांजलि के लिए उपस्थित हैं। वास्तव में शरीर से भिन्न आत्म तत्व है, इसका बोध ही समस्त शास्त्रों में कराया। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं पांच चीजों को हमें हर दिन स्मरण करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। हमारा जन्म किस लिए हुआ है इसका हर दिन स्मरण करें। 84 लाख शरीर में जो हमें सुख आनंद अनुभव नहीं प्राप्त हो, उसको प्राप्त करने के लिए मानव शरीर हमें प्रभु प्रदान करते हैं। 84 लाख शरीर में एक भी शरीर बता दीजिए कि अपने कर्म के द्वारा वह मानव शरीर पास है, असंभव। ये जितने वस्तु वनस्पति वृक्ष स्थावर जंगम पशु पक्षी ये सारे शरीरधारी जीव कोई अपने सत्कर्म के द्वारा मानव शरीर नहीं पा सकता।
हम लोग भी 84 लाख शरीर में थे, आप लोग भी थे, तो ये मानव शरीर कैसे मिला? भगवान की कृपा से। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। रामचरितमानस, किसी जीव पर कृपा करके भगवान उसको मानव शरीर देते हैं। शास्त्रों में कहा है, एवं संस्कृति चक्रस्थे भ्राम्यमाने स्वकर्म भी जीवे दुखा कुले दृष्ट्वा कृपा कापि उपजायते। 84 लाख शरीर में भटकते हुए जीव को देखकर किसी जीव पर प्रभु की कृपा होती है, उसे मानव शरीर देता है। तो ये तो निश्चित है कि आपको जो मानव शरीर दिया प्रभु ने, हमें दिया, ये प्रभु की प्रत्यक्ष कृपा है। और फिर मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदित, भगवान की भक्ति करने के लिए। और उत्तम जीव का जन्म भी ऐसे परिवार में होता है जैसे आप लोगों के परिवार। यद्यपि शरीर देह का जो संबंध होता है, माता पिता होते हैं, वो बहुत वृद्ध हो जाए, शरीर भले जर्जर हो जाए, असक्त हो जाए, चारपाई में भी पड़े रहें तो भी उनका आशीर्वाद मिलता, उनकी छत्र छाया रहती है, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, तो बहुत वृद्ध होने के बाद भी माता पिता की आवश्यकता है। परंतु ये भी सत्य है कि मानव शरीर जितनी श्वासें प्रभु ने हमें दी हैं उतने दिन के लिए ही हमें मिले। तो ये विचित्र जो प्रभु ने मानव शरीर दिया है, किस लिए दिया है? ईश्वराय निवेदित, भगवान को निवेदन करने के। भगवान को निवेदन कई प्रकार से होता है, ज्ञान अर्जन करके होता है कि भगवान हमारे अंशी हैं, हम अंश हैं, भगवान प्रियतम हैं, हम प्रेमी हैं, भगवान हमारे आराध्य हैं, हम आराधक हैं। ये सारे संबंध हमें प्रतिदिन याद करते रहना चाहिए, ये ज्ञान संबंध। दूसरा, उत्तम जीव को भगवान उत्तम कुल में भेजते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। कोई साधना करते करते, योग करते करते, ध्यान करते करते, आराधना करते करते, उपासना करते करते कोई कमी रह गई, तो क्या उस जीव की सदगति नहीं होती क्या? अर्जुन ने पूछा गीता में। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूँ, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। फिर क्या होता है, उन्हें कुछ कमी रह गई साधना में, तो सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। सुचि नाम माने पवित्र कुल में जिसका जन्म होता है, अथवा श्रीमंत कुल में जन्म। पवित्र कुल कौन है? जैसे आपका एक पावन मांझरी निकुंज, ये परिसर, यहाँ के हरेक घर पवित्र कुल, पवित्र घर, और उस पवित्रता में भी पवित्रतम हो गया क्योंकि यहाँ ठाकुर जी विराजमान। यहाँ आप सबने इनका महत्व दिया, एक अलग से मंदिर बनाए, बंगाल का बंगला बनाया, इसलिए ऐसे पवित्र कुल में जहाँ माता पिता का आदर हो, सेवा हो, श्रद्धा भावना हो माता पिता के प्रति, भाइयों में परस्पर प्रेम सौहार्द हो, बड़े छोटों को स्नेह देते हों, छोटे बड़ों का आदर करते हों, देवियों में परस्पर स्नेह भाव हो, सबकी भावना भगवान के प्रति हो, संतों के प्रति हो, ऐसा परिवार पवित्र कुल परिवार कहलाता है। भगवान कहते हैं, उत्तम जीव का जन्म पवित्र कुल में होता है, अथवा श्रीमताम।
स्त्री समृद्धि से युक्त परिवार में होता है। ये तो प्रभु की विशेषतम कृपा है कि आपका परिवार पवित्र भी है और श्रीमंत है। ऐसे कुल में एक उच्च कोटि का जीव भी जन्म लिया। आप सब भी जन्म लिए हैं ब्रजेंद्रनाथ में, ब्रजेश्वर प्रसाद। हाँ, तो आपका भी यहाँ जन्म है। आज उनके जैसे एक बीज होता है, उसमें एक वृक्ष होता है, उसमें फिर अनेक फल निकलते हैं, ऐसे उनके द्वारा अनेक फल पुष्प हैं। तो जन्म जो है उसका स्मरण करना चाहिए कि हमारा जन्म प्रभु ने कृपा करके दिया है प्रभु से जुड़ने के लिए, और जुड़ाव हम किसी प्रकार से हर दिन करें, थोड़ी देर करें, 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें। भगवान को प्रणाम करके आप जुड़ सकते हैं, पुष्पार्पण करके जुड़ सकते हैं, स्तुतियां हैं स्तुति करके जुड़ सकते हैं, तो किसी भी मंत्र जाप करके जुड़ सकते हैं, ध्यान करके जुड़ सकते हैं। हर दिन प्रभु से जुड़ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय। इसलिए हमारा जन्म हुआ है। मृत्यु दूसरा स्मरण हर दिन करना है, एक दिन मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पहले शरीर से भिन्न मैं भगवान का अंश हूँ, ये हमें बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, निर्णय हो जाए। जैसे पूरी भागवत सुनने के बाद परीक्षित को ही तो बोध हुआ ना, सुखदेव जी महाराज पूछते हैं मैंने तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सार्थक हुआ। पूछिए गुरुदेव। सुखदेव जी ने कहा 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा, डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी। क्या पूछा? मृत्यु होगी कि नहीं, तुम्हारी मृत्यु होगी या नहीं होगी, परीक्षित इसका उत्तर दे। कितना सुंदर उत्तर दिया है। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरिः। श्रीमद् भागवत सुन करके गुरुदेव मैंने निर्णय प्राप्त कर लिया है कि शरीर यही मिला है। तक्षक नाग इस शरीर को डसेगा, ये शरीर यही छूटेगा, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो अंदर बैठा हुआ चेतन है, जीव है, वो भगवान कामस है, वो शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद रूप है, वो कभी मरने वाला नहीं है, कभी वो नष्ट होने वाला नहीं। तो मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद रूप आत्म तत्व हूं। मेरी मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मेरे शरीर की मृत्यु होगी। कैसे? जैसे मेरा कपड़ा खराब हो जाता है, फट जाता है, फेंक देते हैं, उसी प्रकार से शरीर भी है। लेकिन इस शरीर से भिन्न मैं हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा। सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, बोले 7 दिन का मेरा जो कथा सुनाने का श्रम था वो सार्थक हो गया। तो समस्त शास्त्रों का सार यही है कि शरीर यहाँ छूटता है क्योंकि जन्म लेता है, आत्मा नहीं मरता। इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा मरती नहीं है, तन से निकल जाती है। आत्मा मरती नहीं है, तन से निकल जाती है। समस्त शास्त्रों का ज्ञान यही है। इसलिए मृत्यु का हमें निर्णय हो जाना चाहिए यहाँ से जाने के बाद पहले, और जब ये निर्णय हो जाता है तो हम बहुत निर्भय हो जाते हैं और प्रभु का अंत समय में स्मरण भी करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं जुवंत में जिसको स्मरण करता है वो व्यक्ति वही शरीर पाता है, और जो मुझे स्मरण करता है
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो मेरा स्मरण करके शरीर त्यागता है वो मेरे वैकुंठ को प्राप्त करता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो ये मंदिर का परिसर में निर्माण, सबका भक्ति भावना से युक्त होना, ये सब कारण बनते हैं प्रभु के अंतिम स्मरण में। एक भक्त जो होता है वो अंत समय में किसी के प्रयाण के समय में वहाँ कीर्तन करता है, भगवत गीता का पाठ करता है कि अगले के प्रयाण के समय में भगवत स्मरण हो जाए, उसका मोक्ष हो जाए। तीसरा स्मरण करना चाहिए प्रतिदिन, जन्म हो गया मृत्यु हो गया, जन्म मृत्यु जरा, जरा माने वृद्धावस्था सबकी आनी है। वृद्धावस्था आने के पूर्व ही हमें अपनी तैयारी कर लेना है। कौन सी तैयारी? कि अंत में हम प्रभु का स्मरण कर सके और इस शरीर से भिन्न मैं हूँ इसका बोध हो सके। इसके लिए कई प्रकार हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मन भगवान में नहीं लगता, कई प्रकार हैं, उन प्रकारों में किसी में तो मन लगेगा। आप ध्यान करिए भगवान का, मन लगेगा। ध्यान में मन नहीं लगा 5 मिनट बाद तो आप स्तोत्र पाठ कर लीजिए, उसमें मन नहीं लगा तो आप मंत्र जाप कर लीजिए, उसमें मन नहीं लगा तो आप स्तुति कर लीजिए, स्तुति में मन नहीं लगा तो संकीर्तन कर लीजिए, संकीर्तन में मन नहीं लगा तो ठाकुर जी को पुष्पार्पण कर लीजिए। इतने सारे प्रकार में किसी न किसी प्रकार से तो मन प्रभु में लगेगा। और जब प्रभु में मन लगता है कुछ क्षण के लिए, तो जैसे आग में कोई वस्तु रखी जाए वो भस्म हो जाती है, वैसे हमारे अनेक प्रकार के ज्ञात अज्ञात ज्ञान अनजान में मन से शरीर वाणी से जो कोई दोष पाप होता है वो भी सब जलकर भस्म हो जाता है। तो वृद्धावस्था के पहले ही थोड़ी थोड़ी तैयारी हमें रोज करनी चाहिए। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, वस्त्र अलंकार धारण करते हैं, शरीर यात्रा के लिए व्यापार व्यवसाय आदि करते हैं, धनार्जन करते हैं, तो ये सब कुछ शरीर के लिए, अपनों के लिए। लेकिन अपने लिए क्या है? जो आप ज्ञान सुन रहे हैं अपने लिए, क्योंकि मकान है, व्यवसाय है, धन है, इससे अपनों को यानी माता पिता पुत्र पत्नी बच्चे पौत्र इन सबको आप सुख देते हैं, और इस दृश्यमान पदार्थों से आप शरीर को सुख देते हैं। लेकिन जिस दिन आँख बंद होती है, इस शरीर को भी छोड़ करके जीव निकलता है, उस समय कुछ भी साथ नहीं जाता है, अपना शरीर ही नहीं जाता, तो दूसरी वस्तु क्या जाएगी? क्या जाएगा साथ में? लंबी यात्रा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सब कुछ यही रह जाता है। क्या साथ में जाता है? बोले जो आप पुण्य धर्म अर्जन करते हैं वही आपके साथ जाता है, वही आपको मार्ग दिखाकर प्रभु के पास ले। इसलिए शरीर के लिए, जो शरीर छूटने वाला है, जो संसार छूटने वाला है, जो अपने छूटने वाले हैं, इनके लिए भी करिए। लेकिन 24 घंटा बहुत बड़ा समय होता है। 24 घंटे में आप 23 घंटे 22 घंटे 23.5 घंटे आप शरीर के लिए, अपनों के लिए करिए। लेकिन इस शरीर को छोड़कर जब हम अकेले चलेंगे, अकेले ही तो जाते हैं ना। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी
हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। हंस माने जीव, जब भी उड़ता है निकलता है तो अकेला जाता है, बहुत लंबी यात्रा रहती है उस समय, खाने पीने यात्रा में सब कुछ सहयोगी क्या बनता है, यही ज्ञान काम आता है, धर्म पुण्य काम आता है, बाकी सब यही रहता है। इसलिए तीसरी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हर दिन याद करो जन्म मृत्यु जरा। चौथा व्याधि, व्याधि माने रोग, रोग आने के पहले ही हम बैठकर ध्यान पूजन अर्चन करके तैयारी कर लें। और दुख, ये भी अनिवार्य जीवन में आते हैं, इनका अगर हम स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे तो एक न एक दिन हम प्रभु के सन्निकट पहुँचेंगे। सायुज्यम समवाप्य नंदति चिरम तेनैव धन्यः पुमान, वही संसार में खरबों लोगों में सर्वश्रेष्ठ जीव है जो भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, भगवान की सन्निधि प्राप्त कर लेता है। और ऐसा वातावरण जीते जी जहाँ मिल जाए, जहाँ एक साथ बैठ करके भगवत नाम संकीर्तन करें, भगवत भजन करें, सत्संग श्रवण करें, उन लोगों को तो भगवत प्राप्ति होती ही, सोचनी आप नहीं, बिल्कुल सोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दुख नहीं करना चाहिए। इसलिए वैष्णोजन वैकुंठोत्सव मनाते हैं, शास्त्र में क्या है, वैकुंठोत्सव, जब भगवान का भक्त मुक्त होकर वैकुंठ जाता है। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। गीता में भगवान कहते हैं जो मेरा अनन्य भक्त होता है उसको मैं अपने वैकुंठ ले जाता हूं, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मैं मुक्त करता हूँ उस जीव को। और वाराहवतार में तो जब भक्त भगवान से पूछते हैं कि आप तो कृष्णावतार में गीता जी में कहते हैं कि अंत में मेरा जो स्मरण करता है वही मेरी प्राप्ति कर पाता है, कदाचित कोई आपकी भक्ति जीवन भर किया और अंत समय में उसको रोग हो गया, वो आपको याद न कर पाया, स्मरण न कर पाया, आपका नाम न ले पाया, तो क्या उसकी सदगति नहीं होगी? तो भक्त वत्सल प्रभु कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं। प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति शरणागति करने वाला जो मेरा अनन्य भक्त है, अंत समय में वो पत्थर की तरह अगर निश्चेष्ट हो, पत्थर न बोल सकता है न स्मरण कर सकता है, ऐसे कभी किसी की अवस्था आ जाए, हो जाती है ना कई बार, कभी ब्रेन की तकलीफ हो जाए तो पता नहीं चलता उसको शरीर का, ऐसा मेरा जो अनन्य भक्त है, जीवन में भक्ति की है, शरणागति की है, ऐसा भक्त मेरे को न स्मरण कर पावे तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? बोले अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गति। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को अंत में मैं स्मरण करता हूँ और उसको अपने दिव्य धाम को ले जाता हूँ, इसलिए उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे उत्तम चेतनों में आप भी थे, आप सब ये सुंदर प्रेरणा लेते हुए अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। हम प्रभु चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका सानिध्य दे और आप सबको शांति धैर्य दे, और जीवन में जो अमूल्य ज्ञान है जो हमने अभी चर्चा करके बताया, इस अमूल्य ज्ञान को आपके चित्त में स्थिरता प्रदान करें, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। लौकिक भौतिक वस्तु में धन ऐश्वर्य समृद्धि सुख शांति भाईचारा, ये सब तो आप पूरे परिवार को प्राप्त ही हो, साथ ही साथ भगवत चरणों में प्रेम अनुराग भक्ति ये भी प्राप्त होती रहे, यही प्रभु चरणों में हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु की जैसी इच्छा होती है वैसे होता है। कौशल बाबू की बड़ी इच्छा थी कि श्री रामार्चा यज्ञ हो, तो उस यज्ञ के निमित्त कल आना था, लेकिन आज ये भी वैकुंठोत्सव यज्ञ होता है। हमने भी जो जिक्र किया, जैसे हम आ रहे थे तो आप सब स्वागत में थे ना खड़े, वैसे जब उत्तम जीव यहाँ से मुक्त होकर वैकुंठ जाता है तो वहाँ वैकुंठ में भक्त लोग उसकी अगवानी करते हैं, स्वागत करते हैं। सत्संगात वनिष्प्रिहो गुरुमुखात श्रीशम प्रपद्यात्मान, ऐसा करके एक सुंदर अर्चिरादि मार्ग का वर्णन। और वो फिर जीव सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके ब्रह्मरंध्र से निकलता है, तो उस उत्तम जीव भक्त शरणागत का इंद्र वरुण कुबेर अग्नि ब्रह्मा ये सब स्वागत करते हैं कि मुक्त जीव जा रहा है भगवान के वैकुंठ। और फिर बिरजा नदी है जो वैकुंठ और इस भूल माने इस ब्रह्मांड की परिधि है, उस बिरजा नदी में वो मुक्त जीव स्नान करता है। उस मुक्त जीव के जो रजोगुण तमोगुण है सब धुल जाते हैं, शुद्ध सत्व गुण प्राप्त होता है। फिर भगवान के मुक्त जो भक्त हैं वे उस मुक्त जीव को जो है पहला गया नया जीव गया उसको पालकी में बैठाकर सत्कार करते हुए परिक्रमा कराते हुए भगवान के पास पहुंचाते हैं। फिर भगवान पूछते हैं उस मुक्त जीव से, कोसी तुम कौन हो? तब ये जीव बोलता है, आपका दास हूँ स्मी, मैं आपका दास हूँ, आपका अंश हूँ। तब उस जीव को भगवान उठाकर अपने गोद में रख लेते हैं, अपने कर कमल को माथे में फेरते हैं, फिर प्रभु की जहाँ इच्छा होती है वहाँ प्रभु स्थित कर देते हैं। ऐसे अनंत काल तक वह मुक्त जीव भगवत आनंद अनुभव करता है, यही सर्वोच्च गति जीव की होती है। सायुज्यम समवाप्य नंदति चिरम तेनैव धन्य अपमान, सारी सृष्टि में वही जीव धन्य है जो इस अरचिरादि मार्ग से भगवान तक पहुँचता है। तो हम यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसी मार्ग से प्रभु के सानिध्य में आप गए और आप सबको प्रभु चरणों में प्रेम अनुराग मिले, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जय श्रीमन। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।